हेलो नमस्ते आदाब, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ झारखंड के वादियों में, और इस बार झारखंड में चुनाव चल रहा है। तो आइए देखते हैं चुनाव के इस माहौल में झारखंड के आदिवासी गांव की स्थिति क्या है। तो आज हम आए हैं एक आदिवासी गांव, आपको इसके अंदर विजिट कराते हैं और इन लोगों से बात करते हैं और गाँव की स्थिति देखते हैं। ये देखिए, ये गाँव घुसने से पहले यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, और इधर देखिए धान की खेती हुई है और अंदर गांव है। तो अभी हम लोग अंदर गांव की ओर चलेंगे। सड़क के किनारे आप देख सकते हैं ऐसे गांव में बैल बकरी बंधे हुए रहते हैं, और इधर बहुत सारी, इधर देखिए पार्टी का प्रचार गाड़ी पार हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है, तो इसीलिए। ये आदिवासी गांव में आपको मिट्टी के घर मिल जाएंगे, बहुत सारे देखिए ऐसे बैल बकरी बंधे हुए हैं। लोग सब अपने अपने खेतों में गए होंगे, इसीलिए गांव अभी खाली नज़र आ रहा है। ये गांव के अंदर का दृश्य है, आप देख सकते हैं इधर सब मिट्टी के घर हैं। और अभी हम आगे चलते हैं, पूरा गांव आपको खाली नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ बच्चे मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ बच्चे? अनीशा मुर्मू। अनीशा मुर्मू, आप किस में पढ़ाई करते हो, कौन सा क्लास में? टू क्लास में। स्कूल जाते हो डेली? और आपका क्या नाम है? शुभजीत मुर्मू। शुभजीत मुर्मू, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कोचिंग क्लास में। प्राइवेट स्कूल जाते हो? अच्छा, आपका घर कौन सा है? उधर है। जैसे कि आप देख सकते हैं गांव पूरा खाली है, सब अपने अपने खेतों में काम में सब गए हुए हैं। तो अभी अगर कुछ लोगों से भेंट होता तो उनसे बात कराएंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, अभी झारखंड की स्थिति क्या है और आदिवासी के लिए कैसा डेली का दिनचर्या रहता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। गांव है और अभी हम चलेंगे ये साइड में और दिखाते हैं गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अधिकतर यहाँ मिट्टी के घर ही मिलेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आदिवासी इलाकों में अपने घर को रंगाई पुताई करके रखते हैं। अभी मेरे पीछे एक भाई नज़र आएंगे, आपका नाम? विष्णु मुर्मू। विष्णु मुर्मू, क्या करते हैं आप? 12th क्लास में पढ़ते हैं। 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं ना, छोड़ दिए हैं? पढ़ाई करते हैं पंडित हाई स्कूल में। पंडित हाई स्कूल में। तो ये विष्णु भाई हमको थोड़ा गाँव दिखाएंगे और इन्हीं की मदद से आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर एक ढलान रास्ता है और इधर ढेर सारे पेड़ आपको नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत गांव है। गांव का नाम क्या है? दुर्गापुर। दुर्गापुर। यहां देखिए सामने ये गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको गाँव का नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर बैल बंधे हुए हैं और पानी पिला रहे हैं ये दीदी। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई मिलेगा। ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, छांव मिलता है बैल बकरियों के लिए। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला मुर्मू। अच्छा, ये आपका कौन है? कौन है भैया? कौन लगता है आपका? आपका कौन है जी? बेटी। बेटी, बेटी लगती है आपका। अच्छा, और ये देखिए ये भाई बता रहे हैं कि ये इन का मंदिर है ना। क्या ये मंदिर को क्या बोलते हैं आदिवासी में? मंजीथान। मंजीथान, तो ये मंजीथान है। ये देखिए टूट गया है, मिट्टी का बना हुआ है, अभी पूरा टूट गया। देखिए मंदिर नहीं बना है। नहीं बना है। ये कौन बनाता है, सरकार ना गांव से अपने से बनाता है? सरकार ही बनाता है। सरकार ही बनाता है, नहीं आया नहीं है। अच्छा, इधर देखिए बैल बंधा हुआ है। यहाँ बच्चे देखिए कंचा खेल रहे हैं। यहाँ तक ये डबाने जाओ जोश में।
अभी हम ये गांव के नीचे चौक में पहुंच गए हैं। यहां बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन सब बैठे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि गांव की स्थिति क्या है, और हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो अभी हम पूछेंगे, आपका नाम? पानेश्वर मुर्मू। पानेश्वर मुर्मू, आप यही गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो इस बार चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आप इस चुनाव से क्या अपेक्षा रखते हैं? चुनाव देखिए, चुनाव तो हम लोग सही प्रगति से हम लोग करेंगे ही। इस गांव में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? पहले कैसे था और अभी कैसा है? अभी परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है। कुछ हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। हुआ है, फिर भी क्या क्या? देखिए, पानी का नल भी लगा हुआ है, टंकी पे बना हुआ है। उसके बाद बिजली भी अभी ठीक सप्लाई चल रहा है। बिजली दे रहा है? दे रहा है। 24 घंटा में कितना बिजली देता है? 24 घंटा में कितना देर बिजली रहता है? ठीक है, सारा दिन ही रखता है, करीबन आधा घंटा 10 मिनट तक चलेगा ही चलेगा। अच्छा, तो और पानी का क्या कंडीशन है? पीने का पानी ठीक है? ठीक है देता है? ठीक है देता है। गांव में कितना नल चापाकल है? करीबन 3 या 4 फुट है। गति 5-6 छोटे। हाँ, 5-6 को है। 5-6 को है। और घर का जो घर देने की योजना चलता है, तो घर आपको मिला है? सरकारी घर मिलते जा रहा है? मिलते जा रहा है। आपको मिला है कि नहीं? नहीं, हमको अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। मिलेगा, उम्मीद लग रहा है? उम्मीद लग रहा है मिलेगा। अच्छा, इस बार चुनाव का क्या माहौल लगता है आपको? माहौल हमारा यहाँ हेमंत दादाजी ही, हेमंत सरकार जीतेगा पूरा उम्मीद है? उम्मीद है। अच्छा जी, एकदम आखिरी मुहाने में आ गए हैं इधर। अब यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ जाता है जी इधर रास्ता? मंदिर। मंदिर जाता है? उधर नदी है, वही थान वाला जो मंदिर बोलते हैं, वही ना? हाँ। अच्छा, आपका वोटर कार्ड बना है जी? नहीं बना है। कितना उम्र हो रहा है अभी? अभी 18। 18 साल? हाँ। तो 18 साल हो गया तो अप्लाई नहीं किया है वोटर कार्ड के लिए? इस साल ही सितंबर में हुआ। मैं कार्ड बन के आया कि नहीं? नहीं अप्लाई किया। और इसी साल सितंबर में 18 साल हुआ ना? अब देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत बगान आपको नज़र आएगा, आम का पेड़ भी है, और इधर पीछे गांव छूट गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मंदिर की ओर ना? और जो आप लोग का जो जहीर थान बोलते वही मंदिर? हाँ। तो वहाँ एगो था गांव के अंदर, और भी है क्या? और एक है। चलिए वो मंदिर के पास से घूम के आते हैं। ये क्या है? ये कचरा। ये देखिए, सरकार बनाया ना? हाँ, कचरा घर बनाया है। कचरा घर मतलब कचरा फेंकने के लिए? हाँ। वाह, बहुत सारे। देखिए, आपको इधर खजूर का पेड़ दिखाई देगा। ये झारखंड में, ये हिस्से में, ये झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव आता है, दुर्गापुर गांव। और देखिए, ये बहुत सारे आपको इधर खजूर का पेड़, ताल का पेड़ दिखाई देगा। ये पूरा कच्चा रास्ता है, अब बहुत ही सुंदर आपको दृश्य दिखाई देंगे, एकदम हरा भरा। अभी धान का कटाई का सीजन चल रहा है, आपको इधर से दिखाते हैं कितना खूबसूरत व्यू। और देखिए कितना सारा खजूर का पेड़। लीजिए भाई साहब, आ गए हैं हम यहाँ मंदिर के पास। आदिवासी में मंदिर को बोलते हैं जहीर थान ना जी? हाँ। और अभी हम मंदिर की ओर जाएंगे, देखेंगे ये कौन गांव वाला बनाया ना, सरकार का तरफ से? सरकार का तरफ से बनाया ना। ये देखिए मंदिर के सामने एक नल है, और ये देखिए बना हुआ है। इधर से देखिए कुछ कलाकृति किया गया है। आपको पहले हम बाहर से दिखा देते हैं, कुछ इस तरह दिखता है, पूरा बाउंड्री किया हुआ है, और पूरी दीवार में कुछ कलाकृतियाँ किए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनाता है। हम आ गए हैं गेट के सामने, तो अभी हम अंदर घुस के देखेंगे। चलिए, आप भी चलिए पहले।
गेट यहाँ से खुलता है। ये सब सब कौन सा पेड़ है जी? ये साल का पेड़ है। साल का पेड़ है, अधिकतर सब साल का ही पेड़ है ना। वो कौन सा पेड़ है वो पता नहीं। कि तो कुछ इस तरह है। हेलो, तो हमको पता है यहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है। यहाँ कौन कौन सा पेड़ का पूजा किया जाता है जी? यही साल का पेड़। साल का पेड़? हाँ। तो कोई एक ऐसा स्पेशल पेड़ है ना सबको ही? हाँ है, यहाँ दिखाते हैं वो वाला। कौन वाला? वो वाला पेड़ में ना पूजा यही होता है ना। अच्छा, तो क्या ये कब होता है पूजा? सोहराई के टाइम। बांधना और सोहराई अलग होता है ना, एक ही है? एक ही है। एक ही है ना। तभी तो कुछ जनवरी में होता है। जनवरी में ना। हाँ। अच्छा जी, तो यही पेड़ के सामने। और होली के टाइम? होली के टाइम में होता है। हाँ। इसको क्या बोला जाता है? बहा। बहा। हाँ। दो बार होता है ना। हाँ। दो बार यहाँ पूजा होती है आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से। और कुछ इस तरह खूबसूरत आपको दृश्य दिखाई देगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आने वाले अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड सब्बा खैर।